जा रही अपने मामा के जा रही नुगारी मेरे से पूछी जी लग जाएगा मैंने ऐसे ही देखा नुगारी तो मैं तो पूछ रहा नहीं लगने का मंटू मत जावे मंटू ना जा बेटा चाय गिरे लड़ रहा होता काला हमसे आज आज आ जाएगी चिंता ना करे क्या हो गया भाई क्या हुआ वो देखो 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 उसे देखो उसे देखो अभी नहीं अभी सुबह सुबह नहीं कुछ भी मेरे पास थोड़ी देर में लेना जो भी लेना है थोड़ी देर भाई थोड़ी देर मुझे चेंज तो करने दे भाई देखिए आप जहाँ जाऊंगा वहीं आओगे जहाँ जाऊंगा अब दुकान पे जाऊंगा तक इनके लिए अब देखो मोटे तो तन्ने करनी रखे ये अब मैं केला क्या क्या कर लूँ भाई तेरा हैप्पी खत्म नहीं हुआ अभी क्या आ गया भाई नंबर अच्छा नंबर यूपीएससी का दे दो ना रिजल्ट आउट हो गया आ गया भाई आ गया पता नहीं आ रहा अभी बहुत अच्छा काट लात में बस जी बस भाई थैंक यू रात की वारदात चिराग चिराग अलग ही पेटीज पेटीज मगा हमने कल दिन में खा ली थी बोले कुलचे बोले कुलचे पेटीज पेटीज हमें खाने का मतलब मन नहीं जाता हुई था बड़ा वो नहीं वहां तो ना कोई दिक्कत है मैं गांव में कहीं चले जाऊं फिर आज फिर से पार्टी होगी आज फिर से पार्टी करो यही धर लो साल चोरा है यही क्या दिक्कत है मजाक होगी वकील साहब लोग ऐसे बनाए के बादल दो चार और नमक मसाला गिरना पड़ेगा इसमें बातों में ये बुग्गी का पेंट बचा हुआ था इस पे मार दिया बुग्गी का बचा हुआ पेंट था सही पे मार दिया ये पांच लोगों पे एक सेप नहीं उठ रही है इससे पता लग रहा है कि भारत हमारा देश कमजोरी की तरफ जा रहा है खाने पीने की कमी चल रही है इससे पता कबाड़ी की दुकान पे जानी है अच्छे बहुत बढ़िया
अतुल कहाँ गया? अतुल फोन करो तुम। हाँ क्या क्या फेरी मैंने ये तंग करने वाली बात तो मुझे बढ़िया लगती नहीं। मिस्त्री जो आदमी तंग कर क्या दान करा? पैसों में बांटी सारी फ्री में बांटो, लड्डू वड्डू बटवाओ। हाँ मेवा बांट रहे थे फ्री। रास्ता तो यहाँ भी ना घेर के बैठ जा, लोग बुग्गी रास्ते पे को टक्कर पक्कर मार जाओ, किसी की जिम्मेदारी थोड़ी है। कहीं भी रास्ते में बताओ कहाँ को लिक्विड में बताओ, इतनी जगह बच रही कहीं को। अगले साल खतर में आ रहा, अभी कुछ बंटवारे हो तो मैं आ रहा। चाय भाई बनवा रहे, तुम्हारी सुबह पिलवा दी, तुम बाट देख के तुम्हारी चाय बनवाई थी। बाट ना तेरा छोड़ देखो बस बनवा। तुम आओगे लेट तो क्या करें, कल को जल्दी आइए चाय पीनी तो। एक तो इरादे एक बंटे में थे, कॉफी पिलवा देंगे तुम ना। चाय चाय मिक्स करके दो ना, दोनों दे दूंगा। मैं तो बता दूं नसों में कुछ ना चौथा छुड़वा दे। ये रात को काम करे ना, होश ना आने इतनी एनर्जी दे दूंगा बिजली का करंट भी। देखो ऐसा मतलब गिरने की कोई दिक्कत है कि मुमटी का लेंटर हमारा खुल नहीं पाया था पहले, क्योंकि बाद में डाला था ऊपर वाला लेंटर नीचे खुल जाने के बाद में, तो आज इनको बुला करके ऊपर का लेंटर भी खुलवा दिया, क्योंकि इसकी वजह से ऊपर हम लोग रहते बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इवन बाकी के लोगों को जो बोलते हैं ना चाल मिलना, मतलब काम करने के लिए ऊपर इसको खुलवा दिया आज फाइनली। अब ये लोग खोल रहे थे तो अंदर सामान वगैरह पड़ा था, ये सामान मुझे हटाने के लिए बोला, तो मैंने बोला चलिए भाई आप लोग काम करो, हटाएंगे सामान भी यहाँ से, क्योंकि अब तो यही रह गया हमारा सामान, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, वहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, यहाँ से उठा के वहाँ रखो, वहाँ से उठा के वहाँ रखो, बस इस सब में पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन ये सलाह है हमारी, एक साथ दो ऐसे बड़े काम कभी मत करना जब बीवी प्रेग्नेंट हो और घर नया बन रहा हो, तो कभी नहीं करना चाहिए। बहुत गलत डिसीजन था मेरा ये, आई रिग्रेट फॉर इट सच में। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।